हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे सूजी से बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी झटपट घर पर ढोकले बनाने का बहुत ही आसान तरीका। इस तरीके से एकदम मार्केट के जैसे फूले फूले ढोकले आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ढोकले बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 500 ग्राम सूजी। ढोकले बनाने के लिए बारीक वाली सूजी लेना है। पहले हम सूजी को नाप लेंगे। सूजी को आप कैसे भी नाप सकते हैं, कटोरी, गिलास, सिर्फ हमको दही का माप लेने के लिए सूजी को नापना है। यहाँ पर हमारी 2 बाउल सूजी है तो इसमें डालना है 1 बाउल दही। वैसे सूजी 500 ग्राम है। दही की जगह आप छाछ भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी सूजी ली है उससे आधी दही या छाछ लेना है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बना लेना है घोल। इसमें साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हम इसका घोल बनाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, यह ढोकले बनते भी बहुत सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और आपके एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना लेना है। ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाना है क्योंकि सूजी पानी को ऑब्जर्व करती है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पतला ही घोल बनाएंगे। परफेक्ट, आप देख सकते हैं, ऐसा ही घोल तैयार करना है। यह घोल बनाने को मुझे ये बाउल से 2.5 बाउल पानी लगा है। और अब इसको आधे घंटे के लिए ढक के भीगने के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद हम इसके ढोकले बनाएंगे। घोल को रख के आधा घंटा हो चुका है। अब आगे की प्रोसीजर करते हैं। पहले घोल को हम बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब इसमें डाल देना है 2 बड़े चम्मच भरकर तेल। 250 ग्राम सूजी में 1 चम्मच तेल डाला जाता है। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम सूजी ली है तो मैं 2 बड़े चम्मच तेल डाल दूँगी। 2 छोटा चम्मच डालना है शक्कर, और हम टेस्ट के हिसाब से यहाँ नमक डाल देंगे। मैं यहाँ पर छोटे चम्मच से 3 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप आपके हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। और फिर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और शक्कर सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। 5 से 7 मिनट तक घोल को अच्छे से फेंट के थोड़ा सा फुला लेना है। दूसरे साइड में थाली में डाल देंगे थोड़ा सा तेल और सब तरफ थाली को लगा लेना है। पूरी तरह थाली को तेल से ग्रीस कर लेना है। साथ में दूसरे साइड में पानी गर्म करने को रख देंगे। पानी में एक स्टैंड रख देना है और पानी को गर्म होने देना है। पानी गर्म होता है तब तक घोल में डाल देंगे 1 चम्मच हरी मिर्च बारीक कट करके। आप चाहो तो यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। पानी गर्म होने के बाद ही हम घोल में इनो डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 पाउच इनो के लिए है। प्रमाण के हिसाब से 250 ग्राम सूजी में 1 इनो का पाउच डाला जाता है। हम यहाँ पे 500 ग्राम ले रहे हैं इसलिए 2 पाउच डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। इनो डालने के बाद इसको झटपट मिक्स कर लेना है। जितना फास्ट हो सकता है आप इसको मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद इसको थाली में डाल के स्टीम करने को फास्ट में रखना है। जितना फास्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं आपके ढोकले उतने स्पंजी बनेंगे, इसलिए हमको फास्ट में इसको स्टीम होने को रखना है। मैंने यहाँ पर इनो को सूजी में मिक्स कर लिया है। अब इसको डाल देना है फटाफट थाली में। यहाँ पे थोड़ा हम फास्ट करेंगे और थाली को उठा के रख देंगे स्टैंड पर। और ऊपर से बड़े थाली से इसको कवर कर लेना है। इसमें से हवा बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इसके लिए हम इसके ऊपर वेट रख देंगे। वेट रखने के बाद फुल गैस पे इसको आधे घंटे तक स्टीम होने देना है। बीच में हम इसको खोलेंगे नहीं, इसलिए स्टीम होते तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। तेल गरम होने के बाद इसमें डाल दूंगी थोड़े से तिल। आप चाहो तो इसमें राई भी डाल सकते हैं। 8-10 डाल देंगे हरी मिर्च और थोड़े से करी पत्ता डाल के इसको ढक देंगे, तो ढकने से तेल ऊपर उछलेगा नहीं। बीच में हम इसको थोड़ा चलाते जाएंगे ताकि करी पत्ते और हरी मिर्च एक साइड से ना जले। 2-3 मिनट हरी मिर्ची को फ्राई कर लेंगे और गैस को कर देंगे बंद और इसको रख देंगे साइड में। चकले को रख के आधा घंटा हो चुका है। गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो कर देंगे और 10 मिनट इसको और बफने देंगे। 10 मिनट बाद हम बड़ी थाली निकाल लेंगे और ढोकले को चेक करेंगे। चक्कू को इसके अंदर डाल के देखना है। चक्कू को कुछ नहीं चिपक रहा, मीन्स ढोकले कुक हो चुके हैं। अगर चक्कू को थोड़ा भी लगता है तो थोड़ी देर और कुक करना है। अब हम इस पर डाल देंगे हमारा तड़का। आप चाहो तो तड़के में 2-4 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं और ऊपर से सब तरफ फैलाते हुए तड़का डाल देंगे। यह ढोकले बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। पूरे ढोकले पे इस तरह तड़का डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यह इंस्टेंट सूजी ढोकला घर पर बनाने की विधि कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी तरफ तड़का डालने के बाद ऊपर से डाल देंगे भरपूर फ्रेश हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसको एकदम ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही इसको कट करना है। गरम गरम कट करेंगे तो इसके पीस अच्छे से नहीं निकलेंगे, इसलिए एकदम ठंडा होने के बाद इसको कट करना है। यह ठंडा हो चुका है, अब हम इसको कट कर लेंगे। इसको आप आपके हिसाब से छोटे बड़े साइज़ में कट कर सकते हैं। अब दूसरे साइड से भी कट करके इसके चौकोर साइज़ के पीस कट कर लेते हैं। इस तरीके से चक्कू से मीडियम साइज़ में चौकोर पीस में मैंने ढोकले को कट कर लिया है। यह सूजी ढोकला आप कभी भी घर पर मेहमान आए तो आधे घंटे में तैयार कर सकते हैं, या फिर घर में बनाना रहा तो भी आधे घंटे में यह तैयार हो जाते हैं। वाह, बढ़िया! आप देख सकते हैं एकदम स्पंजी ढोकला हमारा तैयार है ना, एकदम स्पंजी और फुला फुला। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।